हाय गाइस, नमस्कार। मैं फिर आया हूं एक वशीकरण लेकर के, दो नंबर का वशीकरण। सबसे पहले आपको बताया था मैं एक नंबर का सटाने वाला हूं, कैसे सटा के पटाया जाता है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे दोस्तों कि कैसे किसी को खिला करके वशीकरण किया जाता है। जितने YouTube में आप देखे होंगे दोस्तों, शायद गलत हो सकता है शायद, लेकिन मेरा YouTube में आप जो चैनल देखेंगे दोस्तों, जो वीडियो देखेंगे, एक पैसा गलत नहीं है। यूज किया हुआ है, अजमाइश किया हुआ है गाइस। तो आप लोग बने रहे मेरे वीडियो के साथ। और देखिए, मुझे गुस्सा आता है कि अनेक प्रकार का वीडियो छोड़ा हुआ है दोस्तों, लोग केवल ठग झूठ मूठ का वीडियो छोड़ा है, लेकिन फिर भी आदमी लोग इतना कमेंट शेयर किए हुए हैं ना, शेयर पूछिए मत, सब्सक्राइब ये पूछ के लगा दो, ये खिला के मुंह में, और कुछ नहीं होता दोस्तों। और मैं आपको यूज किया हुआ लोगों को देता हूं, एक चावल का दाना यदि किसी को खिला देंगे आप, तो वो आपके बसीभूत हो जाएगी या हो जाएगा। आपका पैसा ले लिया है किसी ने, बुड़बक बना के नहीं दे रहा दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखिए और अमल कीजिए। आप उस पे रिसर्च कीजिए इस वीडियो को, और कीजिए इस वीडियो के ऊपर जो बनाया हूं उस पे, आप देखिए आपका सब काम बनेगा, आपका पांव छुएगा वो। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो के ऊपर आते हैं कि क्या करना है आपको, कौन सा खिलाने वाला दूसरा वशीकरण का बाप है ये। पहला वो सटाने वाला था, ये खिलाने वाला, इसलिए दूसरा हुआ। फर्स्ट वो हुआ, सेकेंड ये हुआ। फर्स्ट वाला था पत्ते से, बांस के पत्ते से किसी को भी सटा के अपने बस में करना है, लेकिन ये है खिलाकर किसी को अपने बस में करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये होता है अगस्त महीने में, अगस्त सितंबर बस, और फिर मिलने वाला नहीं है। तो क्या डॉगी डॉग जो होता है, कुत्ता कुत्ती जो होता है, जब ये दोनों मीटिंग करेंगे, जब अपने में संभोग करेंगे, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के फंस जाएंगे, देखे ना कुत्ता कुत्ती को कैसे जोठ लग जाता है, वो क्रिया जब करते हैं संभोग क्रिया, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय जाना है कुत्ते कुत्ती के पास। जाने से पहले आपको घर में चावल निकालना है, भात भात निकाल करके सब्जी दाल जो होगा मिला के, और लेकर के जाना है कुत्ता कुत्ती जहां मीटिंग कर रहे हैं, जहां फंसे हुए हैं दोनों दोनों को कोई चीज में खाने के लिए दे दीजिए दोस्तों। वो ना काटेंगे ना कुछ करेंगे वो, ठीक है ना, डरना नहीं है उससे, कुछ नहीं करेगा वो। तो आपको देना है, और जैसे दो चाने वाला वो कुत्ता खाएगा, तुरंत दोनों को भगा देना है, खाने देना थोड़ा सा, जब खा ले तो भगा देना है। भगा करके, और इसके बाद दोस्तों वो जो भात होगा, तो भात को अलग अलग करके लेके जाना है, ठीक है। एक पेड़ देखना है, जहां पे मोटा तगड़ा पेड़ हो, वृक्ष हो, उस पेड़ के पास जाइएगा, और आपको करना क्या है, एक एक मुट्ठी दोनों से चावल लेना है, एक बार में एक जग, या कुत्ती का लीजिए पहले या कुत्ता का लीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, एक मुट्ठी चावल लिए, ऐसे करके भात लिए, और ऐसे पेड़, मतलब कि पेड़ तो इतना मोटा होगा, मोटा पेड़ होना चाहिए, और आप ऐसे अपना एक पांव ये समझिए और एक पांव ये दो है, फैला दीजिएगा पांव को, और झुकना है, झुक करके हाथ में रखना है भात, और झुक करके इस पांव के बीच से ऐसे झुक करके ना दोस्तों, ऐसे मारना है, ताकि वो पेड़ पेड़ में जाके भात चिपक जाए। समझ गया मेरा बात, समझिएगा, पेड़ में जो है जाके भात चिपक जाए, जोर से मारना है। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब भात चिपक जाएगा, कुछ भात जो है नीचे गिर जाएगा, कुछ भात चिपक जाएगा। तो आपको रखना है पन्नी या कोई कागज, समझ गए। और अब क्या करना है, जो भात चिपक गया है पेड़ में, उस भात को चुन चुन के निकाल के एक जगह रखना है, ठीक। और इसके बाद जो नीचे में गिरा हुआ है दोस्तों, उसको रखना है आपको एक जगह, समझ गए, अलग अलग मिलाना नहीं है, ठीक है, इसको अलग अलग रख लिए, याद रखना है कि ये नीचे का है, ये पेड़ में चिपका हुआ है, ठीक है, उसको रख लिए। फिर दूसरा जो कुत्ती वाला या कुत्ता वाला जो पहले किए थे, जो बचा होगा, अब उसका लेके, उसका भी सेम उसी तरह करना, उसका भी जो चिपक जाएगा पेड़ में, उसका भी अलग रख लीजिएगा, और इसका भी नीचे वाला भी अलग रख लीजिएगा, समझ गए। अब चारों को चार जगह है, लेकिन याद रखना है कि ये कुत्ता का है, ये कुत्ती का है, ठीक है, और ये पेड़ में चिपका हुआ चावल है, और ये नीचे गिरा है, ठीक है, उसको ले जाके बढ़िया से सुखा दीजिए। भात जब सूख जाता है ना दोस्तों, तो वो सूख के टाइट हो जाता है, वो भी चावल की तरह हो जाता है, समझ गए ना। तो उसको क्या करना है, जब बढ़िया से सूख जाए, तब आपको क्या करना है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर 98% आपका रेडी हो गया, जरा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ा दोस्तों, केवल भात तो खिलाना है, भात खिलाए आपका वशीकरण चालू हो गया, रेडी हो गया। लेकिन दोस्तों, इस जगह से हम आपको कैसे बता देंगे, करोड़ों का आपको संपत्ति दे रहा हूं मैं, आपको करोड़ों का सिखा रहा हूं वशीकरण, करोड़ों, एक एक दो, ये झूठी मूठी नहीं है दोस्तों, कि ये एक नंबर का है ये।
और सबका बाप है। सेकंड में, फर्स्ट में तो सटाने वाला बताया था। अगर नहीं देखे मेरा वीडियो तो जाइए आप उसमें यूट्यूब में बांस के पत्ते का सर्च कीजिए और देखिए वहां पे आ जाता है सटाने पटाने वाला। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको फटाक से मैं बता देता हूं कि आपको उसको तैयार करके सुखा के रखना, अलग अलग डिब्बे में बंद करके रखना, अपना दिमाग लगा के रखना कैसे रखना है, सब मिलाना नहीं है बस। और इसके बाद यहां से 98% तैयार हो गया। और ये मैं तभी बताऊंगा आपको कि कैसे यूज करना है। अगर गलत यूज किए दोस्तों तो होगा नहीं कभी। बस हाथी तो पूरा पार हो जाता है दोस्तों, लेकिन पूछ पार नहीं होता है। याद रखिएगा, उसी पूछ में सब बखेड़ा खड़ा होता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं गारंटी के साथ है, आपको यकीन ना हो तो आप अनफॉलो कर लीजिएगा। देखिएगा मैं जो बता रहा हूं उनको गारंटी के साथ किया हुआ सबको दिए हैं, बेचते भी हैं दोस्तों, लेकिन अब सबने बर्बाद करने लगा इसलिए थोड़ा कम कर दिया हूं। और दूसरा बात, आप मोबाइल में जो है ना कमेंट कीजिए, कमेंट में अपना नंबर दीजिए, हम उसको फोन करेंगे। जब तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा दोस्तों इसमें, और 1000 फॉलो नहीं होगा दोस्तों, तो मैं फिर ये नहीं बताऊंगा। आप लोग शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मोबाइल नंबर अपना कमेंट में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।